712 करोड़। जी हां दोस्तों, चाइना ने इंडियंस के साथ किया 712 करोड़ रुपए का स्कैम और इस स्कैम के चपेटे में 15,000 से ज्यादा इंडियंस फंस गए। दोस्तों इन चाइनीज फ्रॉडस्टर्स ने सबसे पहले इंडियन सिम कार्ड्स पर बैंक अकाउंट खुलवाए और इसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इंडियंस को इन्वेस्टमेंट कम पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मैसेज किया, जिसके बाद इन लोगों को फ्रॉडस्टर्स ने वीडियोस लाइक करवाई और गूगल रिव्यूज लिखवाए और एक फेक पेमेंट पेज पर लोगों को उनकी अर्निंग्स दिखानी शुरू करी, लेकिन इन अर्निंग्स को विथड्रॉ करने नहीं दिया। इसके बाद इन्हीं लोगों से हाई रेट ऑफ रिटर्न के चलते इन्वेस्टमेंट भी करवानी शुरू करी और लोगों को इस इन्वेस्टमेंट पर फेक प्रॉफिट दिखाना शुरू किया। दोस्तों हैदराबाद के एक आईटी प्रोफेशनल ने इस स्कीम में 28 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इंडिया में हजारों लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। अब चाइनीज फ्रॉडस्टर्स ने इस पैसे को इंडियन अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके दुबई और फिर चाइना ट्रांसफर कर लिया।